अब अगर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच के बारे में, हम लोग डिटेल से जानेंगे कॉकरोच की एनाटॉमी के बारे में, क्या क्या चीज जानेंगे, चीज जानो। हमने कहा एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की अगर एनाटॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो डाइटो, मैं आपको हमेशा बार बार वही बात रिपीट करता हूँ कि एनिमल फिजियोलॉजी अगर आपको सही तैयार है तो किसी भी टॉपिक को तैयार करने में टाइम लगेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे कैसे, जैसे मैंने कहा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। यही चीज हम लोग भी पढ़े थे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे था, डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम से, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक थी, माउस से एनस तक थी। इसकी एलिमेंट्री कैनाल भी वही है, माउस से लेके एनस तक है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल भी माउस से लेके एनस तक है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया कि हमारी इसकी एलिमेंट्री कैनाल के तीन पार्ट कर दिए, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। हम लोगों में भी वो था, स्टमक आ रहा था, उसके बाद वो इंटेस्टाइन स्मॉल लार्ज, वही सारी चीजें आ रही थी। फिलहाल मैंने बोला कि इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल तीन पार्ट हो गए, जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। क्या क्या हो गया, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। फॉरगट और मिडगट के बीच में पाया जाता है हेपेटिक सीका, जिसकी संख्या 6 से 8 होती है, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, फूड के एब्जॉर्प्शन क्यों हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें कि पहले डाइजेशन हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन तो होना होगा ना, तो यहाँ पे हेपेटिक सीका होता है। फिर मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या होता है, इसके जंक्शन पे होता है मेलपीजियन ट्यूब्यूल। क्या चीज होती है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल, जिसका एक्सक्रीशन में जो हेल्प करता है, इसकी संख्या 100 से 150 होती है। बात आती है फॉरगट की, फॉरगट का दूसरा नाम स्टोमोडियम होता है, ये चीज याद रखना। मैंने आपको बताया था फॉरगट को स्टोमोडियम, हाइंडगट को प्रोक्टोडियम और मिडगट को मेजेंट्रोनी बोलते हैं। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि फॉरगट पे क्यूटकिल पाई जाती, हाइंडगट पे क्यूटकिल पाई जाती, परंतु मिडगट पे क्यूटकिल नहीं पाई जाती, ये बात मैं आपसे डिस्कस किया था। हम बात कर रहे हैं फॉरगट या उसका दूसरा नाम क्या कहा मैंने, स्टोमोडियम। तो फॉरगट या स्टोमोडियम कहां से कहां तक होती है, ये माउस से लेके गिजार्ड तक होती है। पहले हम लोग फॉरगट पढ़ रहे हैं, ये माउस से लेके कहां तक होती है, गिजार्ड तक होती है। सबसे पहले माउथ होता है, उसके बाद बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड, इतनी चीजें फॉरगट में आती है। जैसे हम लोगों की, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे हम लोगों से कंपेयर करो, सबसे पहले हमारा माउथ होता है, माउथ की कैविटी क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, उसके बाद फेरिंग्स आता है, फिर क्या ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है। यहाँ पे भी क्या हुआ, माउथ है, माउथ की कैविटी क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद क्या आ गया, फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, बिल्कुल हमारी तरह ही चल रहा है सेम। हमारे पास स्टमक शब्द यूज होता है, इसके पास क्या शब्द यूज होता है, क्रॉप। तो कॉकरोच में भी क्रॉप होता है, जबकि बाइट्स में, 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था कि क्रॉप किसमें पाया जाता है, उसमें आंसर ऑप्शन था फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बाइट्स। तो आंसर क्या होगा, बाइट्स के पास क्रॉप होता है, चिड़ियों के पास क्रॉप होता है। तो यहाँ पे हम लोग में स्टमक खाने को स्टोर करता है, यहाँ पे कौन स्टोर कर रहा है, क्रॉप कर रहा है। क्रॉप लार्जेस्ट पार्ट ऑफ देखा जाए फॉरगेट बोलेंगे, ईसोफेगस नहीं। अगर हम लोग देखें क्रॉप क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉरगेट, किसका बोलेंगे, फॉरगेट का ये सबसे बड़ा पार्ट हो जाएगा। क्या चीज, क्रॉप फॉरगेट का सबसे बड़ा पार्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉरगेट। और इसका काम क्या होता है, फूड, जैसे हमारा स्टमक जो होता है फूड स्टोर करता है, ऐसी क्रॉप। देखो सेम चीज आ रही है, बहुत आसानी से याद हो, माउथ, माउथ की कैविटी, बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग, हाँ ईसोफेगस ही आगे जाके बड़ा से स्ट्रक्चर में जुड़ता है जिसको क्रॉप बोलते हैं। ईसोफेगस और क्रॉप के आसपास सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। मैंने यहाँ साइड में लिख दिया वन पेयर सेलिवरी ग्लैंड, जो राइटिंग आपको हो सकता समझ में ना आ रही हो। तो क्रॉप और ईसोफेगस के आसपास क्या पाई जाती है, वन पेयर सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। सेलिवरी ग्लैंड का किसका सिक्रीशन करेंगे, सेलाइवा का सिक्रीशन करेंगे। हम लोगों में सेलाइवा के द्वारा किसका डाइजेशन हो रहा था, तो आपको याद हो रहा है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा जा रहा था, ऐसे यहाँ पे भी इसका भी सेलिवरी जो एंजाइम है वो किसका डाइजेशन कर रहे हैं, तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते, बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रही है। फिर उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट चीज, गिजार्ड। क्या चीज आती है, गिजार्ड। गिजार्ड का क्या काम होता है, गिजार्ड का दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस। क्या नाम होता है, प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड को, गिजार्ड का मेन काम होता है पीसना। वैसे गिजार्ड से फीलिंग भी आती है, जैसे पीसने वाली, गिजार्ड का मेन काम क्या होता है, पीसना होता है।
तो इसमें क्या होता है कि काइटिन के बने हुए 6 टीथ पाए जाते हैं, क्यूटिकल के बने हुए 6 टीथ पाए जाते हैं। टीथ की वो टीथ नहीं होते हैं, टीथ की तरह नजर आते हैं, हमारी तरह टीथ नहीं होती, क्यूटिकल के बने हुए टीथ होते हैं जिनको 6 क्यूटिकुलर टीथ बोलेंगे। विराट में कितने टीथ हो जाएंगे? 6 क्यूटिकुलर टीथ हो जाएंगे। तो इनका काम क्या होगा? खाने को पीसने का, खाने को पीसने में हेल्प करते हैं 6 क्यूटिकुलर टीथ। विराट का काम पीसना है। उसके बाद मैंने बोला है सर्कुलर मसल लेयर वेल डेवलप। इसमें क्या होती है? सर्कुलर मसल लेयर बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है गिजार्ड। अब गिजार्ड में क्या होता है? गिजार्ड में देखा जाए पीसा भी जाता है, खाने को छाना भी जाता है। तो अपर पार्ट में गिजार्ड के ऊपरी पार्ट में इसको पीसने का काम होता है, जबकि निचले का पार्ट में क्या होता है? छानने का काम होता है। तो फोरगट आपको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? क्यूटिकल फोरगट में होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो गई। जो फोरगट होती है उसका नाम स्टोमोडियम, इसीलिए पड़ा। फोरगट की अगर हम लोग ऑरिजिन देखें तो इसकी ऑरिजिन कैसी होगी? एक्टोडर्मल होगी। ये बात मैं पहले ही बता दिया था आपको, एक्टोडर्मल होगी। फोरगट हाइंड कैप एक्टोडर्मल होती है, जबकि मिडगट कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है। इतने पॉइंट में किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताएं, होना नहीं चाहिए। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, समझ में आ गया? ओके। अब अगर मिडगट के बारे में बात करें तो मिडगट को मीजेंट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडगट को मीजेंट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब गिजार्ड जो होती है वो मीजेंट्रॉन में ओपन होती है भाई, स्टोमोडियल वाल्व। किस वाल्व के द्वारा? स्टोमोडियल वाल्व। आपको वैसे ही मालूम होगा वाल्व का काम क्या होता है, बैक फ्लो को रोकना, कोई भी चीज आगे चली जाए वापस ना आए। तो स्टोमोडियल वाल्व क्या करते हैं? बैक फ्लो को रोकने से बचाते हैं। तो गिजार्ड किस में ओपन होती है? मीजेंट्रॉन में ओपन होती है। मीजेंट्रॉन का नाम मीजेंट्रॉन क्यों होता है? समझ रहे? इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होगी कि एब्सेंट होगी? तो आपको गिजार्ड मिडगट के बारे में एक चीज जान लेना, इसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होगी। कैसा होगा? एंडोडर्मल होगी, मैं पहले भी आपको बता दिया था। और इसमें क्यूटिकल क्या हो गई? क्यूटिकल अब्सेंट हो गई। क्यूटिकल क्या हो गई? क्यूटिकल इसमें अब्सेंट हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजेंट्रॉन। गिजार्ड किस में ओपन हो गई? मीजेंट्रॉन में। किस वाल्व के द्वारा? एस्टोमोडियल वाल्व के द्वारा। अब इसमें आपको मालूम है कि हमने आपको बताया था फॉरगेट मिडगट, और फॉरगेट और मिडगट के बीच में पैटिक सीखा है, मतलब मिडगट के शुरुआती पार्ट में पैटिक सीखा है, लास्ट में क्या है? मेलपीजेंट ट्यूबुल। तो मैंने लिखा 6 से 8, 6 to 8 स्मॉल ट्यूबुलर। क्या बोला मैंने? 6 to 8 स्मॉल ट्यूबुलर फिंगर लाइक ब्लाइंड सैक ट्यूबुलर हेपेटिक सीका सिक्रीट डाइजेस्ट। देखो हेपेटिक सीका का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करना। एक्चुअली जो मिडगट होता है, मिडगट का जो मेन काम होता है, मेन डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, वो मिडगट में ही होता है। तो मिडगट में अगर होता है तो मिडगट में वहां पे एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम कौन सिक्रीट करता है? हेपेटिक सीका। कौन करता है? हेपेटिक सीका। वो गैस्ट्रिक सीका भी बोलते हैं, पर अब याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक्चुअली इसके पास ना तो लीवर है, तो लीवर और स्टमक एक ही बात रख ली एक तरीके से। जैसे हम लोगों में नहीं, इंसानों में बात होती है, तो कोई कहता पेट गड़बड़ है तो कहता अच्छा लीवर गड़बड़ है, पर यहाँ पे लीवर और गैस्ट्रिक दोनों टाइम एक साथ यूज हो गए। हेपेटिक सीका ही दूसरा नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक सीका होता है। याद रखना, हेपेटिक सीका ही दूसरा नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक सीका होता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। तो मिडगट में हमें इतना ही बात याद रखनी है, फिर कंपेयर करके मैं पूरा और क्लियर करा दूंगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत हो तो बोल दो जल्दी से, ठीक है।